हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको ये मैं ब्यूटीफुल टेप लेस बनाना बताऊंगी और आसान है इसे बनाना। तो इसके लिए मैंने ये मेटैलिक रेड शेड यूज़ किया है और 20 नंबर ही है ये, तो समझ लीजिए। पहले तो सबसे पहले हमें ये रिंग बनाना है, फिर ये चेन और फिर ये दो रिंग इकट्ठे बनाने हैं और फिर रिवर्स करके ये चेन और इसी के साथ बिना रिवर्स किए ये छोटा रिंग फिर और फिर ये चेन और ये फिर दूसरे हाथ पे ये दो रिंग इकट्ठे बनेंगे और फिर ये चेन और इसी के साथ फिर ये वाला रिंग सेंटर वाला और इसके साथ ये चेन, फिर ये दो रिंग इस हाथ बनेंगे, फिर ये चेन और ये फिर एक रिंग बिना रिवर्स वर्क किए, फिर ये चेन और ये दो रिंग और फिर ये चेन और इसके बाद फिर ये वाला सेंटर वाला रिंग। तो जैसे जैसे बनाएंगे समझ में आता जाएगा। गाइज आपसे एक बात करनी थी, जैसे शॉर्ट वीडियो कई बार अपलोड करती हूँ तो वो किसी कारण से डिलीट हो जाती है बाद में, तो उस वक्त उससे रिलेटेड जो भी लाइक शेयर्स और कमेंट होते हैं उसी के साथ डिलीट हो जाते हैं, फिर मैं दोबारा अपलोड करती हूँ। तो आप ध्यान रखना कि दोबारा आपके पास वीडियो आए तो दोबारा आप इसको लाइक कर सकते हैं और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो देखिए मैंने अब प्लेन थ्रेड से ये बनाना बता रही हूँ, 20 नंबर थ्रेड है ये भी और कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। तो पहले एक रिंग बनाते हैं, सांझा थ्रेड ही रखा है मैंने बोल के साथ और एक शटल से बनाएंगे। तो रिंग में 4 डबल स्टिचेस पिको, 3 डबल स्टिचेस पिको, 3 डबल स्टिचेस पिको, 3 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट करना है। तो ये 4 डबल स्टिचेस लेके हमने पिको लिया, स्मॉल ही लेना है और फिर 3 डबल स्टिचेस पिको, 3 डबल स्टिचेस पिको स्मॉल, 3 डबल स्टिचेस और ये रिंग हमने कंप्लीट कर देना है। 3 पिको है इसमें, 4 3 3 3 ये मेजरमेंट है। ये हमारा सेंटर वाले जो रिंग चल रहे हैं यही नाप के बनेंगे और फिर रिवर्स करेंगे इसे और अभी चेन बनाते हैं। तो चेन हम बनाते हैं 12 डबल स्टिचेस की, तो बिल्कुल पास में हमने ये स्टिच लेना है और 12 डबल स्टिचेस की ये चेन बनाते हैं। तो चेन बना के मैं आपको दिखाती हूँ, स्टिचेस टाइट कर लेने हैं और फिर इसे अब रिवर्स कर देना है। अब यहाँ पे हमने वो दो रिंग बनाने हैं, तो पहला रिंग बनाते हैं। तो इसके लिए स्टिचेस हमने 7 डबल स्टिचेस लेने हैं पहले और फिर ये ज्वाइन करना है ऊपर, फिर 7 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट करना है। तो ये 7 डबल स्टिचेस ले लें पहले, अभी यहाँ पे फर्स्ट पिको से इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर 7 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट रिंग हमने यहाँ से फर्स्ट पिको से अटैच कर दिया। अब यहीं पे दूसरा रिंग बनाना है, तो जो कि दूसरे पिको से अटैच होगा। स्टार्ट हमने यहीं से करना है बिना रिवर्स वर्क किए हुए। तो यहाँ पे हम 9 डबल स्टिचेस लेते हैं पहले, फिर ज्वाइन करेंगे दूसरे पिको से। तो यहां ज्वाइन कर देते हैं और
और फिर दोबारा से 9 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। अब ये रिंग क्लोज कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा पहले रिंग के ऊपर आएगा ये रिंग, तो इस तरह से हमने ये क्लोज कर दिया। अब ये दो रिंग इकट्ठे बनाए हमने, लेकिन जॉइन अलग अलग जगह पे किए। अब इसे रिवर्स करेंगे और अभी हमने सेकंड वाली चेन बनानी है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने बड़ा रिंग बनाया था अभी, तो 14 डबल स्टिचेस लेंगे। अभी चेन बनाएंगे, तो ये चेन कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए स्टिचेस टाइट कर लिए हैं। अब इसके बाद रिवर्स वर्क नहीं करना, ये जहाँ हमने बड़ा रिंग जोड़ा था उसी पिको में हमने ये देखिए इस तरह से ये जो शटल वाला थ्रेड है ना, जो स्टिचेस के अंदर से आ रहा है, इसी को हमने इसमें से निकाल लेना है और लूप बना लेना है। खींच के वो चेन को हमने टाइट कर देना है और फिर चेन को टाइटली पकड़ के ऊपर से और इस लूप में से शटल पास कर देंगे। देखिए जॉइन लग गया यहाँ पे। अब रिवर्स वर्क नहीं करना, जो सेंटर वाला रिंग सबसे पहले हमने जो रिंग बनाया था वही अब बनेगा 4333 के मेजरमेंट से, तो यहीं से बनाएंगे अब। फोर डबल स्टिचेस ले लेते हैं पहले। फिर 3 डबल स्टिचेस, फिर पिको के बाद 3 डबल स्टिचेस और फिर पिको और 3 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं 4333। तो ये रिंग हो गया कंप्लीट। इसके बाद रिवर्स करते हैं इसे। और अभी ये जो चेन का थ्रेड इस हाथ पे आया हुआ है, तो इसको हमने ऐसे दूसरी तरफ कर लेना है, ऐसे रिंग के ऊपर से ले जाते हुए, रिंग के बेस में से ले जाते हुए इस तरह से उस हाथ पे करके चेन बनानी है हमने। वही चेन जो स्टार्टिंग में हमने 12 डबल स्टिचेस की ली थी, अब इसको पहले ज्वाइन भी करना है। टोटल 12 डबल स्टिचेस ही हैं, लेकिन पहले 3 डबल स्टिचेस लेते हैं। तो टाइटली यहाँ पे हमने स्टिच पास में करके लेना है, तो 3 डबल स्टिचेस लेके पहले इसको ये देखिए यहाँ ज्वाइन करेंगे, जो साथ ही में पिको नज़र आ रहा है, पहले रिंग का जो पिको है, क्योंकि फर्स्ट रिंग में हमने पहले पिको से पहला रिंग ज्वाइन किया था, फिर दूसरा दूसरे पिको से, और ये जो तीसरा बचा है अब इसके साथ हमने ये चेन ज्वाइन करनी है। तो इस तरह से इसको ज्वाइन लगा देंगे। अब 9 डबल स्टिचेस और लेते हैं और ये चेन कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चेन होगी कंप्लीट। अब इसे रिवर्स करेंगे। अब देखिए दोबारा से हमने दो रिंग बनाने हैं जैसे स्टार्टिंग में बनाए थे पिछले मोटिफ में। तो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं पहले पहला रिंग, 7 डबल स्टिचेस लेके पहले पिको से ज्वाइन करते हैं और फिर दोबारा 7 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए 7 डबल स्टिचेस ले लिए हैं पहले। अब इसको फर्स्ट पिको से ज्वाइन कर रहे हैं इस तरह से। अब 7 डबल स्टिचेस और लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट रिंग ज्वाइन हो गया। अब दूसरा बनाना है हमने, दूसरे पिको से ज्वाइन होगा जो। तो 9 डबल स्टिचेस लेते हैं पहले। इसको ऊपर ज्वाइन कर देंगे, रिंग कंप्लीट कर दिया इसी तरह से 9 ज्वाइन 9। तो अभी रिवर्स करके अभी फिर चेन बनानी है हमने दोबारा से 14 डबल स्टिचेस की, क्योंकि जब पहला स्टार्टिंग का रिंग बनाना है जब हमने, उसके बाद जो चेन लेनी है 12 डबल स्टिचेस की लेनी है। जब दो रिंग हमने ज्वाइन कर लेने हैं तो उसके बाद जो चेन बनेंगी 14 डबल स्टिचेस की। तो ये बना के आपको दिखाती हूँ। ये बन गई चेन
अब ये जो बड़ी वाली चेन हम बनाते हैं, तो इसके बाद हमने इसको, ये जो बड़ा रिंग ज्वाइन किया था उसकी उसी के पिको में हमने ये शटल वाला थ्रेड ही हमने इस तरह से निकाल के लूप बना लेना है और इसमें हमने शटल पास कर देना है और ये ज्वाइन लग गया यहाँ पे। अब बिना रिवर्स वर्क किए यहीं पे हमने रिंग बना देना है 4333 के मेजरमेंट से, जो सेंटर में रिंग आ रहा है हमारा। तो ये बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गया रिंग कंप्लीट। तो अब देखिए इसके बाद हमने रिवर्स वर्क करना है। और ये जो थ्रेड चेन बनानी है हमने, तो इस तरफ जो थ्रेड आ रहा है हमने दूसरी तरफ कर लेना है रिंग के बेस में से ले जाते हुए, इस तरह से दूसरी तरफ कर लिया। अब यहाँ से हमने चेन बनानी है, तो पहले तो 3 डबल स्टिचेस लेंगे और ये जो पिको नज़र आ रहा है उस पर हमने ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे ये जो पिको है इस पे ज्वाइन लगा देंगे। जब चेन कंटिन्यूशन में हो तो ज्वाइन इस तरह लगता है। अगर चेन कंप्लीट करने के बाद हमने कहीं ज्वाइन लगाना है उस चेन का, तो वो शटल वाले थ्रेड को ही उसमें स्लाइड करके लगाएंगे, जैसे हमने 14 डबल स्टिचेस वाली चेन पीछे ज्वाइन करते आ रहे हैं। तो 9 डबल स्टिचेस और लेके ये चेन कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए चेन कंप्लीट हो गई। अब देखिए दोबारा से ये फिर कंटिन्यू हो जाएगा, इस हाथ पे ये पैटर्न बनेगा। पहला रिंग 7 ज्वाइन 7 लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे फर्स्ट पिको पे पहले रिंग का। तो ये फर्स्ट रिंग ज्वाइन हो गया। अब बड़े वाला रिंग बनाना है, 9 डबल स्टिचेस ज्वाइन करेंगे और 9 डबल स्टिचेस। तो ये दूसरा रिंग भी यहाँ पे ज्वाइन हो गया। अब रिवर्स करेंगे इसे और यहाँ पे बड़ी वाली चेन बनानी है 14 डबल स्टिचेस की। तो ये बना के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये होगी कंप्लीट। अब जो चेन कंप्लीट करने के बाद हमने ज्वाइन लगाना होता है, वो शटल वाला थ्रेड इसमें से निकालेंगे और लूप बना के चेन को टाइट करके इसी में से हमने शटल पास करना है। इस तरह से अब यहीं पे हमने फिर दोबारा से वही स्टार्टिंग वाला जो ये वाला जो सेंटर में चलता आ रहा है रिंग, ये बना देना है। और इसी तरह हमने फिर आगे उसको रिवर्स करके चेन बनाएंगे और फिर दो रिंग ज्वाइन करेंगे। तो ये थोड़ी लेंथ बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये बनता जाएगा। तो ये इसे आप ज्वेलरी में इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ज्वाइन से इसको फैब्रिक पे जोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।